नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जांगिड़। एक बार फिर से आपके साथ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सभी क्लास में जल्दी से आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, अपन राजस्थान हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे और राजस्थान हिस्ट्री पे हमारा टॉपिक चल रहा था प्रजामंडल। प्रजामंडल में मैंने बहुत तक आपको बता दिया है, लगभग सारी क्लासे अपनी प्रजामंडल की 4-5 दिन से प्रजामंडल की ही क्लासेज लगी हुई है। तो आज लास्ट क्लास रहेगी दोस्तों प्रजामंडल के बारे में। आज के क्लास में बिल्कुल प्रजामंडल खत्म हो जाएंगे। जो मोस्ट प्रजामंडल है उनकी अगर बात करें तो आपको सबसे पहले प्रजामंडल पर ध्यान देना है, जो है मारवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल और जयपुर प्रजामंडल। यहाँ से आपको बहुत डिटेल से पढ़ना है, एक एक चीट से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से अगर डीप से पूछेगा तो इन प्रजामंडल में से पूछेगा। बाकी अदर जो प्रजामंडल है उनमें से आपको बस क्या याद रखना है, ज्यादा से ज्यादा अध्यक्ष याद रखने हैं, संस्थापक। अध्यक्ष की अगर बात करें ना अपन, तो अध्यक्ष सभी में अध्यक्ष बने हुए नहीं है। जो संस्थापक है, जिसने प्रजामंडल का गठन किया है, वही अध्यक्ष बना हुआ है। कोई प्रजामंडल ऐसे है जिसमें अध्यक्ष अलग से बनाए गए थे और बाद में चेंज भी हुए थे। तो मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, जैसे प्रजामंडल का गठन 38 में हुआ था तो 45 में फिर नया अध्यक्ष बना था, तो वो चीजें मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, ऐसी छोटी मोटी चीजें को ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आपको सन और प्रजामंडल किसने गठन किया था, ये सभी प्रजामंडल के आपके 19 के 19 प्रजामंडल के आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज की क्लास में अगर अपन बात करें सबसे पहले प्रजामंडल की, तो वो है जैसलमेर प्रजामंडल, ठीक है। जैसलमेर प्रजामंडल, सभी ऑनलाइन आ गए, सभी क्लास को लाइक करेंगे और शेयर कर देंगे जल्दी से जल्दी। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है आप उसी टाइम शेयर कर दिया करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो जुड़े हैं वो मिस ना कर पाए अपनी क्लास को, जो रेगुलर बने हुए हैं उनकी क्लास मिस ना हो जाए, ठीक है। सबसे पहले बात अगर इसकी बात करें दोस्तों, जैसलमेर प्रजामंडल का गठन कहाँ पर हुआ था, सबसे पहले स्थापना बात करते हैं, वही अपना सिस्टम रहेगा जैसे अपन ने पहले बताया। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 15 दिसंबर 1945 को। देखो क्या होता है कि जैसलमेर में सबसे बड़ा योगदान देता है सागरमल गोपा, एक स्वतंत्रता सेनानी हुए सागरमल गोपा, जिनकी मृत्यु हो जाती 4 अप्रैल 1946 को। क्या होता है कि इनके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं और इनको आत्महत्या के बाद में समिति का गठन किया जाता है, जिसमें आत्महत्या बताया गया था। लेकिन एक एक व्यक्ति द्वारा जो है उन पर याचनाएं की जाती हैं और 1946 में सागरमल गोपा की मृत्यु हो जाती। उससे पहले क्या, जैसलमेर के जो शासक थे उनके द्वारा यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि वो प्रजामंडल का गठन ही नहीं होने दे रहे थे, याद नहीं कर रहे थे, यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा था। तो इसी बीच 15 दिसंबर 1945, जैसे ही सागरमल गोपा ने वहां के लोगों के प्रति जागृत किया, सभी लोगों को जागृत किया, राजनीतिक चीजें वहां बताई उन्होंने, सबसे ज्यादा अगर योगदान रहता है जैसलमेर में रियासत में तो सागरमल गोपा का रहता है। लेकिन 15 दिसंबर 1945 के दिन यहाँ पर एक युवा नेता रहते हैं, यही के नेता रहते हैं, जो सागरमल गोपा तो क्या जेल में थे, तो वो तो प्रजामंडल का गठन नहीं कर सकते, तो स्थापना कर देते हैं। उनका नाम रहता है कहां पर स्थापना, सबसे पहले बात करते हैं स्थापना कहां पर हुई थी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर से बाहर कहां जाकर हुई थी, जोधपुर रियासत में। जय नारायण व्यास इनकी मदद करते हैं और जोधपुर रियासत में स्थापना करते थे, किसके द्वारा बताइए मुझे, आप बताइए किसके द्वारा स्थापना की गई थी। मीठा मीठा सा नाम है, मीठा मीठा सा नाम है जैसलमेर में, क्या नाम है मीठा मीठा सा नाम, मीठा लाल व्यास, क्या नाम है, मीठा लाल व्यास। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, मीठा लाल व्यास ने स्थापना करी जैसलमेर प्रजामंडल की, कहां पर करी, जोधपुर में। क्यों करी, रीजन बता दिया मैंने आपको, क्योंकि वहां के जो शासक थे जवाहर सिंह शासक रहते हैं, वो जो जैसलमेर में प्रजामंडल का गठन नहीं करने देते, तो ये जोधपुर चले जाते हैं और जय नारायण व्यास की मदद से मीठालाल व्यास द्वारा 15 दिसंबर 1945 को प्रजामंडल का गठन हो जाता है, ठीक है। अगर बात करें अपन जैसलमेर प्रजामंडल की, आपको सबसे बड़ा वाला क्षेत्र में, क्षेत्रफल में सबसे जो रियासत थी वो जोधपुर रियासत आता है। जैसलमेर प्रजामंडल बिल्कुल निम्न श्रेणी की रियासत थी, यानी कि ज्यादा डेवलपमेंट, सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ अगर बात करें तो जिला भी अभी यही है और रियासत भी यही थी, ठीक है। और बात करें अपन इसके बारे में, तो सागरमुख गोपा के बारे में आपको बता दिया, सर्वाधिक योगदान यहां पर लिख देता हूं मैं, सर्वाधिक राजनीतिक जैसलमेर में है ना, सर्वाधिक राजनीतिक जनचेतना
में योगदान किसका रहा? सागरमल गोपा का। यानी कि सागरमल गोपा के द्वारा ही वहां पर जो वहां के महारावल थे, जैसलमेर के जो महारावल थे जवार सिंह, उनके द्वारा वो बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे वहां के लोगों पर। यानी कि हर जगह उनके ही ज्यादा उनके ही द्वारा यातनाएं दी जा रही थी, उनके विरुद्ध वहां के लोगों को आंदोलन छेड़ते हैं। किसने काम किया था ये? सबसे पहले सागरमल गोपा ने किया था। किसने किया था? सागरमल गोपा। अब सागरमल गोपा कोई छोटा नाम तो है नहीं, बड़ा नाम है, स्वतंत्रता सेनानी रहे। तो मैंने आपको बताया हर जगह में आपको एक पर्टिकुलर अगर बड़ा नाम आ जाता है तो उसकी डिटेल भी जानेंगे अपन, ठीक है। तो सागरमल गोपा की अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पर सागरमल गोपा के जन्म की बात करें, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? जैसलमेर में, ठीक है। कहाँ पर जन्म हुआ था? जैसलमेर में, क्योंकि सबसे बड़ा नाम आता है जैसलमेर में। स्थापना की थी इन्होंने, किसकी स्थापना की? 1915 में। सबसे पहले इनकी पुस्तक की बात कर लेते हैं अपन, पुस्तकें। पहली पुस्तक वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है जैसलमेर में, जैसलमेर में गुंडा राज, जैसलमेर में गुंडा राज। और दूसरी पुस्तक आती है वेरी इंपॉर्टेंट आजादी के दीवाने। बस यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है आजादी के दीवाने। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सागरमल गोपा के द्वारा। सागरमल गोपा कहां से संबंधित है? जैसलमेर से संबंधित है। जैसलमेर में राजनीति जन चेतना के जागृत के जनक माने जाते हैं कौन? सागरमल गोपा को, ठीक है। इनका जन्म हुआ है जैसलमेर में। पुस्तकें हैं जैसलमेर के गुंडा राज और आजादी के दीवाने। अब बात करें कि इनको इनको देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लेते हैं 1941 में। 1941 में देशद्रोह के आरोप में, देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया और कितने वर्ष की सजा सुनाई? 6 वर्ष की सजा सुनाई इनको, ठीक है। अब ये जेल में चले गए। और बात आती है 1946 की। कब की बात आती है? 1946 की बात आती है, ठीक है। 1946 में 3 अप्रैल के दिन, 3 अप्रैल के दिन इनके ऊपर क्या था? मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। किसने जिंदा जलाया? देखो ध्यान से सुनना, बात आती 3 अप्रैल 1946 के। इसके टाइम पहले मैंने आपको बताया पूरी कहानी सुनना, स्थापना करते हैं 1945 में मीठालाल व्यास। तो ये बहुत सारे नेता मिलकर इनको छुड़ाने के लिए जाते हैं क्योंकि जय नारायण व्यास का इनको साथ मिल जाता है। तो जय नारायण व्यास सभी प्रयास करते हैं अलग अलग नेताओं से, अंग्रेजों को लेकर एक एजीजी को भी पत्र लिखते हैं और एजीजी द्वारा एजीजी उनको क्या विश्वास दिलाते हैं कि हाँ मैं चलता हूँ जैसलमेर चलेंगे। और सागरमल गोपा के द्वारा जो याचनाएं दी जा रही है उनके द्वारा, एक गुमान सिंह नाम आता है, नाम याद रखना, गुमान सिंह, सरदार गुमान सिंह, ये थानेदार रहता है यहाँ पर जैसलमेर जेल का थानेदार है ये। तो ये क्या है, बहुत परेशान करता है किसको? इनको परेशान करता है सागरमल गोपा को। तो ये सारी बातें किसको पता चल जाती है? जय नारायण व्यास को पता चल जाती है। तो जय नारायण व्यास पत्र लिखते हैं एजीजी को। तो वहां के जो अंग्रेज अधिकारी थे, बड़े अधिकारी थे, वो इनको आश्वासन भी देते हैं कि हाँ बिल्कुल चलेंगे। लेकिन जैसे ही ये सारी घटना दुर्घटना हो जाती है, उससे पहले ये सारी बातें किसको पता जाती है? गुमान सिंह को। तो गुमान सिंह इनको तो पहले प्रयास कर रहा था, परेशान कर रहा था। तो गुमान सिंह किनका? यहाँ के जो राजा थे, महारावल थे, उनका ही आदमी था क्योंकि ये भी सरदार। तो गुमान सिंह द्वारा क्या होता है कि 3 अप्रैल के दिन ही इनके ऊपर मिट्टी का तेल डाल देते हैं, यानी कि घास लेट आता है ना जो केरोसिन, वो डाल देते हैं और इनको जिंदा जला देते हैं। और जबकि आना था 5 अप्रैल के दिन। कब आना था? 5 अप्रैल के टाइम उनको अंग्रेज अधिकारियों को आना था और सागरमल गोपा को छुड़ा देने के लिए ऐसी बातें चल रही थी। लेकिन ये सूचना पहले ही पता चल जाती और सागरमल गोपा को केरोसिन डाल के वहां पर जिंदा जला देते हैं। किसने किया ये सारा काम? गुमान सिंह के द्वारा। गुमान सिंह के द्वारा ही शोषण किया जाता है सागरमल गोपा का और इनको परेशान किया जाता है। और गुमान सिंह ने ही इनके ऊपर क्या डाला था? मिट्टी का तेल डाला था और इनको जिंदा जला दिया था, ठीक है। अब इसके बाद एक समिति का गठन होता है, गोपाल स्वरूप समिति। यहां लिख देता हूं, ध्यान रखना इधर, गोपाल स्वरूप समिति।
इस समिति का गठन किया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि सागरमल गोपा की जो मृत्यु हुई थी उसके लिए एक समिति का गठन किया गया था जांच पड़ताल के लिए। समिति का गठन क्यों किया जाता है? जांच पड़ताल के लिए। तो इस जांच पड़ताल के लिए एक गठन किया गया था जिस समिति का नाम था गोपाल स्वरूप समिति, नाम है गोपाल स्वरूप के द्वारा ये समिति बिठाई गई होगी, तो इसी के नाम पर गोपाल स्वरूप द्वारा समिति बिठाई गई थी और इसकी जांच पड़ताल हुई। तो जांच पड़ताल के बाद जो रिजल्ट निकला वो ये निकला था कि इन्होंने आत्महत्या करी थी, यानी कि कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ये भी किसके आदमी? महारावल के आदमी। तो गोपाल स्वरूप समिति ने ये निष्कर्ष कर दिया कि इसकी आत्महत्या की थी इन्होंने, खुद स्वयं इन्होंने क्या डाला, मिट्टी का तेल डाला और आत्महत्या कर ली। इन्होंने सागरमल गोपा ने, कब मृत्यु हुई थी इनकी? 3 अप्रैल के दिन इन्होंने मिट्टी का तेल डाला था और 4 अप्रैल के दिन, 4 अप्रैल के दिन इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इसके लिए समिति का गठन किया गया था सागरमल गोपाल सिंह, गोपाल स्वरूप समिति, और तेल डालने वाले कौन थे? सरदार गुमान सिंह, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आते हैं किससे? सागरमल गोपा से रिलेटेड, ठीक है। ये होता है जैसलमेर प्रजामंडल का पूरा मैटर। और जैसलमेर प्रजामंडल से कुछ एक दो बातें हो रही है जो मैं आपको लिखा नहीं, सागरमल गोपा की मैं आपको भी एक और चीज लिखाऊंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिटा दूं? चलिए, ये बात होती है जैसलमेर प्रजामंडल से। बाकी आपको ध्यान रखना है स्थापना कब हुई थी, 15 दिसंबर 1945 को, आपको ध्यान रखना है सिर्फ 1945 को। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है कहां पर हुई थी स्थापना, कहां पर हुई थी? जोधपुर में स्थापना हुई थी इनकी, यानी कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई? जैसलमेर से बाहर जाकर जोधपुर में, ठीक है। सर्वहितकारी, सर्वहितकारी, चलो रहने दोस्तों, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब बात करते हैं इसके बाद, इसके बाद बात करते हैं अपन डूंगरपुर प्रजामंडल के बारे में। डूंगरपुर प्रजामंडल, ठीक है, अब ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, डूंगरपुर में भी नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है वेरी इंपोर्टेंट, भोगीलाल पांड्या का नाम याद आएगा यहाँ पर, तो भोगीलाल पांड्या से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कब हुई थी स्थापना जल्दी से बताइए, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, कब हुई थी स्थापना? 1944 को, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? बिल्कुल डूंगरपुर में हुई थी। स्थापना किसके द्वारा की गई, किसके द्वारा? तो यह भी आपको ध्यान रखना है, भोगीलाल पांड्या द्वारा, भोगीलाल पांड्या। इसके अध्यक्ष और संस्थापक भोगीलाल पांड्या ही थे, ठीक है, ध्यान रखना, ये अध्यक्ष भी थे और संस्थापक भी थे, अध्यक्ष भी यही थे, कौन थे अध्यक्ष? भोगीलाल पांड्या। इसके बाद प्रथम अधिवेशन की बात कर लेते हैं अपन। देखो डूंगरपुर प्रजामंडल की अपन बात कर रहे हैं, स्थापना कहां पर हुई थी? डूंगरपुर में 1944 को, किसकी अध्यक्षता में? भोगीलाल पांड्या की अध्यक्षता में, ठीक है। यहीं से एक क्वेश्चन आ जाता है, यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो डूंगरपुर से रिलेटेड, डूंगरपुर क्या है? डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये जो नीचे के प्रतापगढ़ वाले जो नीचे का दक्षिण एरिया है ना राजस्थान में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दक्षिण राजस्थान में, क्योंकि ये आता है आदिवासी एरिया में, और आदिवासी एरिया में आने के कारण इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ा योगदान और विद्रोह, मतलब सारी चीजें यहीं पर, आंदोलन वगैरह सबसे ज्यादा निकलकर कहां से आए थे? दक्षिण वाले क्षेत्र से। तो आपको इसलिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कुशलगढ़, ये चीजें आप समझ जाया करो कि यार ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रथम अधिवेशन की, डूंगरपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन, देखो हर एक प्रजामंडल में एक अधिवेशन हुआ था, या तो 2 साल बाद होता है या 3 साल बाद होता है, उसी टाइम पर कभी भी अधिवेशन नहीं हुआ, तो इसका हुआ था आपके 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। कहां पर हुआ था? तो ये डूंगरपुर में हुआ था, ठीक है। अध्यक्षता मोस्ट इंपोर्टेंट आता है, किसकी अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ था? तो बिल्कुल किसकी अध्यक्षता में होगा? भोगीलाल पांड्या की अध्यक्षता में ही होगा,
नहीं तो बहुत बार चेंज हो जाते हैं ये, भोगीलाल पांड्या। ठीक है, ये हुआ प्रथम अधिवेशन। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हुआ, समझ में आया? सभी वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे जल्दी से जल्दी। एक बार फिर से बोलता हूँ, स्थापना कब हुई थी? 1944 में। किसकी अध्यक्षता में? भोगीलाल पांडे की अध्यक्षता में। अगर वहां पर संस्थापक आ जाए तब भी यही आएगा, अध्यक्ष आ जाए तब भी यही आएंगे। कहां पर स्थापना करी? डूंगरपुर में। प्रथम अधिवेशन याद रखना 1946 में, 2 साल बाद। 45 में स्थापना और प्लस 2 जुड़ के कितने हो जाएंगे? 1946। कहां पर अधिवेशन हुआ था? डूंगरपुर में। अध्यक्षता में? भोगीलाल पांडे की अध्यक्षता में। ठीक है, अब इनकी पर्टिकुलर भोगीलाल पांडे की भी अपन बात कर लेते हैं, क्योंकि भोगीलाल पांडे से बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं। ठीक है, तो भोगीलाल पांडे का जन्म कहां पर हुआ था जल्दी बताइए मुझे, जल्दी बताएंगे सभी जन्म। जन्म आता है सीमनवाड़ा गांव, सीमलवाड़ा गांव। कहां पर पड़ता है ये? डूंगरपुर में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद इनको उपनाम है, इनको जाना जाता है किस नाम से? उपनाम किस नाम से जाना जाता है? बांगड़ के गांधी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो दो चीजें आएंगी आपके पास, एक तो बांगड़ का गांधी आएगा, एक और मैंने आपको पहले भी बताया था आपको, जब गांधी, तीन गांधी हुए अपने, राजस्थान के गांधी कौन से हैं और बांगड़ के गांधी कौन से हैं और इसके बाद अपने गांधी जी कौन है? महात्मा गांधी जी। बांगड़ के गांधी कौन है? भोगीलाल पांड्या। और मैंने आपको बताया था राजस्थान के गांधी कौन है, तो वो आएंगे गोकुल भाई भट्ट। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, गोकुल भाई भट्ट भी आने वाले हैं, उनके बारे में भी 2-3 जानकारी मैं दूंगा आपको। तो भोगीलाल पांड्या ने जन्म हुआ इनका सीमलवाड़ा गांव में, डूंगरपुर में, और इनका उपनाम है बांगड़ के गांधी। ठीक है, इसके बारे में और बात करें अपन, भोगीलाल पांडे के बारे में और बात करें अपन, इनकी पत्नी थी एक, पत्नी, पत्नी का नाम बताइए मुझे जल्दी से, पत्नी का नाम सभी बताएंगे, क्या नाम है पत्नी का? मणि बहिन। क्या नाम है? मणि बहिन। मणि बहिन, पूरा क्या नाम है? पांड्या। अब इनका क्या योगदान है, ये अपन महिला योगदान में पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक चीज यहां पर ध्यान रखना है कि इनको क्या कहा जाता था, इनका भी उपनाम है, इनका भी उपनाम है, क्या नाम है उनका? बांगड़ की बा, यानी कि बांगड़ के सभी लोग है ना, इनको क्या कहते थे? बा कहते थे, बा। क्या कहते थे? बा, ये बा वाला। किनका नाम है ये? मणि बहिन पांड्या का उपनाम है। ठीक है, तो यहां तक सभी को समझ में आया, डूंगरपुर प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भोगीलाल पांड्या ने राजनीतिक जन चेतना के जनक माने जाते हैं, आदिवासी राजनीतिक जन चेतना की, यानी कि जो आदिवासी लोग है ना उनके लिए सर्वाधिक कार्य किया था, किसने? भोगीलाल पांड्या ने। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लिया सभी ने? मिटा दू? चलिए अब आगे बात करते हैं, और ये हो जाता है डूंगरपुर प्रजामंडल। अब भोगीलाल पांड्या ने कुछ संस्थाएं, कुछ चीजों की स्थापना करी थी, उनके बारे में, स्कूल चलाए थे इन्होंने, आदिवासी क्षेत्र में बच्चे पढ़ाई करने के लिए स्कूल का आयोजन किया था इन्होंने, उनका क्या क्या नाम दिया उनको देख लेते अपन। ठीक है, भोगीलाल पांड्या, इन्होंने क्या की? स्थापना की, स्थापना की कहां पर? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में किन किन चीजों की स्थापना करी इनको देख लेते अपन। ठीक है, डूंगरपुर में स्थापना करते हैं किसकी? बांगड़ सेवा संघ की। एक तो किसकी? बांगड़ सेवा संघ। बांगड़ सेवा संघ की स्थापना किसने करी थी? भोगीलाल पांड्या ने। डेट याद नहीं मत रखना यहां पर। इसके बाद बात करें हरिजन समिति, हरिजन समिति, बांगड़ सेवा संघ, हरिजन समिति, और बात करें बनवासी संघ, बनवासी संघ, इन तीन चीजों की इन्होंने स्थापना करी। भोगीलाल पांड्या ने स्थापना की डूंगरपुर में, तीनों चीजों की स्थापना कहां पर करी थी? डूंगरपुर में।
कहां पर करी? डूंगरपुर में, बांगड़ सेवा संघ, हरिजन समिति, बनवासी संघ, ठीक है। अब एक हत्याकांड आप याद रखना, मैं नाम लिखाऊंगा बस और डेट बताऊंगा आपको, ठीक है। रास्ता पाल हत्याकांड डूंगरपुर से संबंधित है, ये आदिवासी लोगों से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। कब हुआ था ये? 1947 में, 19 जून 1947 को हुआ था। रास्तापाल हत्याकांड क्या है देखो सुनना। नाना भाई एक टीचर थे और कालीबाई, दो नाम आता है कालीबाई का नाम, महिला योगदान में आपने सुना होगा कालीबाई का नाम, ठीक है। नाना भाई के रिलेटेड होता है, नाना भाई की पुलिस अधिकारी यार कि वहां की जो पुलिस रहते हैं वो इनको गोली मारकर हत्या कर देते हैं, क्योंकि इनको बोला जाता है कि आप स्कूल के ताला लगा देना और चाबी सौंपने के लिए बोलते हैं कि चाबी मुझे सौंप दीजिए अब, तो ये नाना भाई जो है मना कर देती चाबी सौंपने के लिए कि नहीं दूंगी मैं चाबी, तो इतने में हाथापाई हो जाती पुलिस की और इनके बीच में, और नहीं मानने के कारण पुलिस वाले इनको क्या करते थे, गोली से गूंदते थे और गोली से लगने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती। फिर इसके बाद एक टीचर आती है सेंगा भाई, जो वहां पर पढ़ाती थी उसी स्कूल में, तो सेंगा भाई इनको रोकती है, मना करती है, पुलिस वालों को मना करती है, तो सेंगा भाई भी बीच में आ जाती, तो सेंगा भाई की बहुत मारपीट करते हैं पुलिस वाले लोग, और सेंगा भाई के हाथ पैर बांध देते थे और ट्रक के बांध कर ले जाते हैं और पकड़कर इनको घसीटते हुए ले जा रहे थे। इतने में एक 12 वर्ष की कन्या आ जाती है काली भाई, तो वो कहीं से भील कन्या रहती है ये काली भाई, तो पशुओं को चरा कर आ रही होगी वहीं पर, उसके हाथ में फसल काट के आ रही होगी, तो दांत ली थी उसके हाथ में, क्या थी? दांत ली। तो वो उसको देखती, ऐसी दुर्घटना देखती और उनके पास पड़ी हुई थी इसलिए उनके अंदर एक ऐसा आग का गोला निकल कर आता है, तो काली भाई ये सारी चीजें देखकर है ना बहुत आक्रोश हो जाती है, और वो जो घसीट कर ले जा रहे थे सेंगा भाई को पुलिस वाले, तो रस्सी से यानी कि उस दांत ली से उस रस्सी को काट देती है, और ये सारी चीजें कौन देख रहा है? पुलिस वाले देख रहे हैं, तो पुलिस वाले बीच में आ जाते हैं और काली भाई से हाथापाई हो जाती है और काली भाई को गोले से गूंद देते हैं और ये तीनों लोगों की वहां पर मृत्यु हो जाती है। और ये जो मृत्यु हुई थी, जिस स्थान का नाम था रास्तापाल, इसका पूरा नाम था पुलिस रास्तापाल, ये जो घटना हुई थी ये हुई थी पुलिस रास्तापाल में। अब ये जब काली भाई का जब महिला योगदान पढ़ेंगे अपन, तो काली भाई के वहां लिखा दूंगा मैं ये सारी चीजें, स्टोरी भी एक बार फिर बता देंगे। तो ये होता है पूरा डूंगरपुर का सिस्टम, समझ में आया आपको? यहाँ पर सभी को क्लियर हुआ डूंगरपुर प्रजामंडल के बारे में? कोई समस्या हो तो बता दीजिए, नहीं हो तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिख लीजिए आप इसका, फिर आगे बताते हैं। लिख लिया सभी ने? मिटा दें? चलिए, तो ये डूंगरपुर प्रजामंडल और इसके पहले अपन ने पढ़ा जैसलमेर प्रजामंडल, अब पढ़ लेते हैं अपन सिरोही प्रजामंडल, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं सिरोही प्रजामंडल अपन, ठीक है। सभी वीडियो को शेयर और लाइक कर देंगे जल्दी से, और आज की क्लास जाना मत, क्योंकि आज की क्लास चाहे सिंपल हो लेकिन क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अगर प्रजामंडल से डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि किसने स्थापना करी थी, तो डूंगरपुर, किशनगढ़, ये शाहपुरा, ये चीजें आपको ज्यादा ध्यान रखनी है। और डिटेल से अगर जानकारी लेने आएंगे, डिटेल से अगर क्वेश्चन आ गया, तो वो आएगा मारवाड़ से, मेवाड़ से या फिर जयपुर प्रजामंडल से, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। सिरोही प्रजामंडल देखो, सिरोही में दो चीजें आती है। सिरोही में एक स्थापना आती है 1934 में, मैंने आपको पहले भी बताया था 1934 में स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये वर्दी शंकर के द्वारा, वर्दी शंकर द्वारा, कहां पर? बंबई में। कहां पर की गई थी? बंबई में ये स्थापना करी थी। देखो क्या होता है कि ये वर्दी शंकर थे, ये युवा नेता थे सारे, तो युवा नेताओं ने मिलकर एक बार प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कर देते हैं वर्दी मर्ग की सहायता से, या अध्यक्ष बनते हैं ये, संस्थापक दोनों यही बनते हैं। कौन होते हैं? वर्दी शंकर के द्वारा बंबई में इसकी प्रजामंडल की स्थापना कर देते हैं, ठीक है। अब कंफ्यूज वाला क्वेश्चन ये आता है कि आप अगर आरबीएससी की बुक देखोगे या राजस्थान बोर्ड की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक देखोगे ना, तो उसमें यही दे रखा है। क्या दे रखा है? 1934 में वर्दी शंकर के द्वारा बंबई में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की, तो बिल्कुल राइट है। अब डिपेंड करेगा यहाँ पर ऑप्शन में आपके राइट आंसर क्या आगे। अगर वहां पर वर्दी शंकर भी आ जाता है और गोकुल भाई भट्ट भी आ जाता है, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये तो फिर क्वेश्चन ही गलत हो गया, ये तो फिर सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि गोकुल भाई भट्ट द्वारा 1934 के बाद 1939 का समय आता है। कब आता है? 1939 का समय आता है, और सिरोही में ही
सिरोही में ही स्थापना की। यही शाखा थी वो स्थापना की किसकी? गोकुल भाई भट्ट ने। गोकुल भाई भट्ट द्वारा, गोकुल भाई भट्ट द्वारा सिरोही में स्थापना की किसकी? सिरोही प्रजामंडल की। किसकी? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। यही शाखा थी, इसको बाद में ट्रांसफर कर दिया कहां पर? सिरोही में ही कर दिया, और दोबारा इसकी स्थापना करी। दोबारा इसके अध्यक्ष संस्थापक बदले गए, मंत्री बदले गए, महामंत्री बदले गए, नेता बदले गए। पहले ये युवा नेता थे, इधर इधर अलग नेता चल रहे थे, अलग लोगों ने आक्रोश जगाया, उत्तरदायी शासन को लेकर ये कार्यक्रम चलाया, और इन्होंने बंबई में ही वहां पर क्या कर दी? स्थापना कर दी। लेकिन गोकुल भाई भट्ट की सहायता से 1939 में सिरोही में स्थापना की किसकी? सिरोही प्रजामंडल की। तो अब डिपेंड करता है ये ऑप्शन में आपके साथ क्या आता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन गोकुल भाई भट्ट की। यहाँ पर कुछ चीजें यहां से आ जाती है गोकुल भाई भट्ट से, ठीक है। गोकुल भाई भट्ट, ये महेश भट्ट वाले भट्ट नहीं है, गोकुल भाई भट्ट वो अलग है भाई, आप रिश्तेदार मत समझ लेना महेश भट्ट के, ठीक है। इनकी अगर बात करें, इनकी जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म हातल गांव, कहां पर? हातल गांव। कहां पर पड़ता है ये? सिरोही में ही पड़ता है। कहां पर पड़ता है? सिरोही में, ठीक है। इनको उपनाम, एक और उपनाम वेरी इंपॉर्टेंट, पहले एग्जाम छोटे छोटे एग्जाम होते थे पहले के टाइम, तो इन बहुत सारे बार क्वेश्चन ये भोगीलाल पांड्या से, इसके बाद बात करें गोकुल भाई भट्ट से, इनसे उपनाम ही क्वेश्चन पूछे जाते थे। अभी तो प्रचलन कम हो गया, अब तो मिलान वाले ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट तो कभी नहीं पूछा है क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन सभी को याद हो चुका होगा। तो उपनाम की बात करें, इनको क्या नाम से जाना जाता था? ये आप याद रखना, आप राजस्थान के गांधी। पहले क्या है कि एक मैटर रहता था, पहले तरीका रहता था क्वेश्चन पूछने का, जैसे बूंदी के उपनाम बताइए, जैसलमेर के उपनाम बताइए, ये अलग अलग उपनाम, यही क्वेश्चन आ जाते थे, पूरा जीके का पेपर ही इनसे भरा रहता था। अब तो ये चीजें बहुत छोटी हो गई, बहुत ईजी लगने लग गई सभी को। तो पढ़ते हैं अभी भी आप, अगर कोई नया बच्चा स्टूडेंट पढ़ता है ना, तो जीके की शुरुआत करता है तो वो यहीं से करता है, यहीं से बूंदी के उपनाम पड़ेगा। कोटा को किस किस नाम से जाना जाता है, चंबल नदी को भी वैसे घुट घुट के पीता है अभी भी, जैसे चंबल नदी में सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, बिल्कुल इस तरह का पैटर्न। लेकिन आजकल मैप बदलने लग गए, तरीका बदल गया, क्वेश्चन वही क्वेश्चन तरीके बदल कर आ रहे हैं। मैप दे देंगे आपको और रेक रेशो बना देंगे कि अब बताइए यहाँ से कौन सी नदी निकली हुई है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि नदी अगर आपने पढ़ी है तो चित्र देख के पढ़े करें। अगर चित्र देख के आप मैप देख के पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार यहाँ से बनास नदी निकली है, ये चंबल नदी कहाँ से निकली हुई है, कांकली नदी कहाँ से निकली है, घग्गर नदी कहाँ से निकली, कोई पता ही नहीं। तो आजकल तो रोड डालने लग गए, एरो डालने लग गए कि यहाँ पर कौन सी नदी निकलने लगी, ठीक है। तो आपको जितना वो परेशान करेंगे करेंगे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। एक और चीज बात करें पर गोकुल भाई भट्ट, राजस्थान, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे ये प्रथम। कौन थे अध्यक्ष? प्रथम अध्यक्ष थे ये गोकुल भाई भट्ट, ठीक है। और ये गवर्नमेंट में जब मंत्री रहे थे तो इन्होंने कभी भी राजकीय जो सेवा रहती है, जैसे बंगला, राजकीय बंगला, राजकीय गाड़ी, तो इनका कभी भी उपयोग नहीं करा। एकमात्र मंत्री रहे हैं ये राजस्थान के जिन्होंने कभी भी इन सरकारी कागजों का या सरकारी बंगलों का, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया। ये भी चीज आप ध्यान रख लेना, लिखाने की नहीं है लेकिन आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये हो जाती गोकुल भाई भट्ट से बात, राजस्थान के गांधी। एक ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इनका जन्म कहां पर हुआ था? हातल गांव सिरोही में। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे ये, और गोकुल भाई भट्ट ने कभी क्या है, सरकारी बंगलों की और गाड़ियों की सेवा कभी नहीं ली, ठीक है। ये हो जाता है आपके सिरोही प्रजामंडल। कंफ्यूज वाली चीज आप ध्यान रखना, 1934 और 1939 के बीच जो कंफ्यूज है वो आप ध्यान रखना। अगर वहां पर एग्जाम में 34 ऑप्शन है और 39 नहीं है तो बिल्कुल 34 लगाना, 39 है तो, क्योंकि राजस्थान बोर्ड की आप बुक देखोगे तो 34, अगर राइट आंसर भी लगा के आते हो तो 34 वाला लगाना, ठीक है। ये होती है बात सिरोही प्रजामंडल के बारे में। एक दो प्रजामंडल डायरेक्ट नाम दिखाने, उनको भी पढ़ने थे, फिर क्लास खत्म करेंगे अपन। मिटा दूं? चलिए अब बात करते हैं, अब तो हो गए सारे प्रजामंडल लगभग खत्म होने वाले हैं।
चलिए देखिए, शाहपुरा प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल, कब हुई थी स्थापना? जल्दी से बताइए मुझे, वेट कर रहा हूं मैं, सभी बताएंगे स्थापना और किसके द्वारा, कहाँ हुई स्थापना? शाहपुरा प्रजामंडल, या अगर एग्जाम में शाहपुरा नहीं आए भीलवाड़ा पूछ ले तब भी एक ही बात है, ठीक है? तो ये भी आप ध्यान रखना, शाहपुरा कब स्थापना, कब हुई, कहां पर हुई और किसके द्वारा, किसके द्वारा हुई, यानी कि अध्यक्ष और संस्थापक, अध्यक्ष संस्थापक, ये आप मुझे बताइए अब कब हुई स्थापना, जल्दी से बताइए, वेट कर रहा हूं मैं आप सभी का, सभी बताएंगे जल्दी से जल्दी, कब हुई? 1938 में, ठीक है? किसके द्वारा? रमेश चंद्र ओझा के द्वारा, किनके द्वारा? रमेश चंद्र ओझा के द्वारा। एक नाम आता है लादू राम व्यास, एंड लादू राम व्यास, लेकिन अगर वहां पर ऐसा पूछ लेता है कि स्थापना किसके करी, तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है रमेश चंद्र ओझा, ठीक है? इन्होंने ही स्थापना करी थी, ठीक है? कौन से प्रजामंडल? शाहपुरा प्रजामंडल की, कहां पर? ये यहां पर लिख दिया मैंने गलत, इसको नीचे लिखना है, कहां पर? शाहपुरा में, शाहपुरा में रमेश चंद्र ओझा, यहां आएगा रमेश चंद्र ओझा, ठीक है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है रमेश चंद्र ओझा का नाम, लादू राम व्यास ने भी की थी, साथ में मिलकर करी थी, ठीक है? अब 1945 की बात आती है, 1945 में अध्यक्ष बदल जाते हैं, 1945 में अध्यक्ष कौन थे? तो ये नाम आएगा आपके गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा, ठीक है? गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा अध्यक्ष बने 1945 में, पहले अध्यक्ष कौन थे? रमेश चंद्र ओझा, इनके द्वारा स्थापना करी कब? 1938 में शाहपुरा प्रजामंडल की, और 1945 में अध्यक्ष, कई ऐसे पहले भी आए थे, मैंने आपको पहले भी प्रजामंडल बताए हैं जिसमें अध्यक्ष बदल गए थे बाद में, तो ऐसे यहां पर अध्यक्ष बदले थे, तो गोकुल लाल असावा बाद में इनके अध्यक्षता में प्रजामंडल संभाला गया, इन्होंने बाद में प्रजामंडल का ध्यान रखा, ठीक है? और पहले कौन थे? रमेश चंद्र ओझा, मोस्ट इंपोर्टेंट आता है रमेश चंद्र ओझा के द्वारा, ठीक है? इन्होंने स्थापना करी थी संविधान निर्मात्री की, संविधान निमात्री की, ठीक है? ये भी आप ध्यान रख लेना ऐसे जनरल नॉलेज के लिए, पूछेगा तो नहीं क्योंकि इतनी तो स्थापना, बहुत सारी स्थापना हो गई, ये तो ज्यादा इतना इंपोर्टेंट नहीं है, तो आप ध्यान रखना रमेश चंद्र ओझा गोकुलाल असावा अध्यक्ष, ठीक है? आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर एक दो और लिखा देते हैं, मिटा दे। चलिए लगभग अब सभी प्रजामंडल हो गए, एक दो तीन प्रजामंडल ऐसे रह रहे हैं जिनको बस अध्यक्ष लिखना है और क्या लिखना है? सन लिखना है, ठीक है? जैसे किशनगढ़ प्रजामंडल की बात करें, किशनगढ़ प्रजामंडल कहां पड़ता है? किशनगढ़ अजमेर में, कुशलगढ़ अलग है जो बांसवाड़ा में पड़ता है, ठीक है? ये किशनगढ़ है, रियासत रही थी, किशनगढ़ ठिकाना रहा था, सॉरी, तो ये आपको ध्यान रखना है, किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 में स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1939 में, किसके द्वारा हुई है बताइए जल्दी से? कांति चंद चौथाणी, क्या नाम आता है? कांति चंद, दो कांतिलाल हुए प्रजामंडल में, कांति चंद, ये चंद है, ठीक है? ये चंद है, जबकि कांतिलाल जो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना करी वो कांतिलाल आएंगे, ठीक है?
किशनगढ़ प्रजामंडल की ये बात, अध्यक्ष यहां पर अलग थे, ये ध्यान रखना आप, अध्यक्ष ये तो क्या थे, कांति चंद, इनके संस्थापक थे, इन्होंने स्थापना करी थी, संस्थापक। देखो संस्थापक समझना, संस्थापक क्या होता है, जो निर्माण करता है, जो प्रथम व्यक्ति रहता है उस प्रजामंडल को नींव डालने वाला, वो होता है संस्थापक। अध्यक्ष तो उपाध्यक्ष तो ये मंत्री तो बनाए जाते हैं बाद में, बहुत से में अध्यक्ष अलग रहेंगे, बहुत से में वही संस्थापक अध्यक्ष हो जाता है क्योंकि वो अपने ऊपर ही भार संभाल लेता है। जैसे आपने देखा होगा मुख्यमंत्री, जैसे मान लो अभी अशोक गहलोत है, ठीक है, तो बहुत ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो खुद भी है और मुख्यमंत्री भी खुद ही बने हुए हैं, आपने देखा होगा। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी वही है और मुख्यमंत्री भी, ऐसे वसुंधरा राजे भी रही थी पहले, अध्यक्ष भी वही थी प्रदेश बीजेपी की और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मुख्यमंत्री का पद भी संभाला। तो ये ऐसा मैटर है संस्थापक अध्यक्ष, ये कंफ्यूज मत होना कि संस्थापक सर क्या होता है, अध्यक्ष क्या होता है, अभी भी पता नहीं आपको, ठीक है। इनका नाम है अध्यक्ष का जमाल शाह, ठीक है, याद रख लेना इसको, जमाल शाह। अगर अध्यक्ष पूछ ले तो आंसर आएगा जमाल शाह, जबकि संस्थापक कांति चंद चौतानी, ठीक है। ये होती है किशनगढ़ प्रजामंडल की बात। इसके बाद प्रतापगढ़ प्रजामंडल की बात करें, अब तो क्या बात करें, अब तो लिखा दिया प्रतापगढ़ प्रजामंडल, कुशलगढ़ प्रजामंडल, ये सारी चीजें लिखा दी मैंने आपको, तो अब ध्यान रख लेना, आप पहली वाली क्लास देख लेना जिसमें प्रतापगढ़ और कुशलगढ़ प्रजामंडल की मैंने आपको बात बताई है, उनकी बस संस्थापक और स्थापना दोनों चीजें आपको वहां पर देखनी है। लिंक पर जाइए आप, क्लिक कीजिए, सारी क्लासें आपको उपलब्ध मिल जाएगी। तो ये प्रजामंडल पूरा कंप्लीट हो जाता है। एक क्वेश्चन आप ध्यान रखना, देखो हर एक प्रजामंडल का जो उद्देश्य था, जो कारण था, वो ये था कि ये एक उत्तरदायी शासन का निर्माण करे, एक नया संविधान की मांग कर रहे थे, इसीलिए इन्होंने एक प्रजामंडल का गठन किया था। उत्तरदायी शासन, सबसे पहले अगर ये पूछ ले कि कौन से प्रजामंडल में सबसे पहले पूर्ण उत्तरदायी शासन लागू कर दिया था, क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जो 19 के 19 प्रजामंडल थे उसमें सभी का टारगेट यही था। देखो कुछ समस्या होती है जैसे स्कूल से संबंधित समस्या, लेकिन मेन टारगेट इनका क्या था कि हमें उत्तरदायी शासन चाहिए। उत्तरदायी शासन का मैंने आपको मतलब बता दिया था कि उत्तरदायी शासन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सभी का पूर्ण उद्देश्य यही था, पूर्ण मांग यही थी, लेकिन उसके बीच में अगर कुछ जैसे किसानों से संबंधित समस्या, तो वो तो जुड़ी रहेगी उसमें, लेकिन पूर्ण उत्तरदायी शासन लागू हो गया था वहां पर 14 अगस्त 1947 को। तो कहां पर हुआ था, शाहपुरा प्रजामंडल में, ठीक है, कहां पर, शाहपुरा प्रजामंडल में, ठीक है। तो शाहपुरा प्रजामंडल आप ध्यान रखना, अभी मैंने आपको बताया था संविधान निर्माता का जो गठन किया गया था, उस गठन में ही, उस जो संविधान निर्माता का जो गठन किया गया था उसके तहत ही पूर्ण संविधान, पूर्ण उत्तरदायी शासन की लागू किया गया था, उसमें मांग थी ये सबसे ज्यादा। तो इन 19 के 19 प्रजामंडल में सबसे पहले जो पूर्ण उत्तरदायी शासन लागू किया गया था, साइन किए गए थे, तो वो किसने किए थे, शाहपुरा प्रजामंडल ने। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप ध्यान रखना 19 प्रजामंडल में से, ठीक है। ये होते हैं आपके पूरे 19 के 19 प्रजामंडल। तो आज की क्लास के साथ अपन प्रजामंडल खत्म करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में अपन बात करते हैं, देखते हैं टॉपिक कौन सा टॉपिक लेके आता हूँ, सरप्राइज रहेगा आपके लिए। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।